चैनल, दिस इज मी भावना शर्मा एंड रियली विश यू ऑल अ डी फाइन। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ कि अमेजोन साड़ी हॉल साड़ी सच में बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और सभी साड़ियों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप लोग चेक करना चाहें तो वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। जैसा हमेशा कहते हो, हमेशा मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और अगर आप लोगों को वीडियो इतना सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर वन पे स्टार्ट करूंगी मेरी फेवरेट साड़ी से, जो सच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, उसको मैंने स्टार्टिंग में ही रख लिया और इसका ना पहनने के बाद लुक बहुत ही ज्यादा प्रिटी आया था। तो ये जो साड़ी है ना, ये रेड और ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन साड़ी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इसके पल्ले से, पल्ला इसका बहुत ही प्यारा है। पल्ले की साइड में आप लोगों को इस तरीके से ना टेसल्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से पैटर्न मिल जाएंगे। बॉर्डर आप लोगों को ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन वाला, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का ऑल ओवर साड़ी पे आप लोगों को इस तरीके से बॉर्डर मिलेगा। थोड़ा सा ना शाइन शाइन कर रहा है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, इसका जो फैब्रिक है वो मिक्स कॉटन है और कॉटन होने के बावजूद भी ना इतनी अच्छी तरीके से इसकी प्लेट्स और इसका ना पहनने के बाद लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। पूरा चेंज हो गया था, जैसा आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स में, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही ना स्लिम सा लुक आ रहा था इसको पहनने के बाद। तो पिक्चर में मेंशन कर रखा था इस तरीके से ग्रीन कलर का कुछ ब्लाउज का पीस, बट जब मैंने इसको रिसीव किया ना, पूरी साड़ी सेम थी, ब्लाउज का पीस नहीं आया, तो मुझे लगा ना इसके साथ ही अटैच होगा। एंड जब प्लेट्स बना रही थी ना, तब मुझे लगा इसके साथ ही अटैच है, तो सेम यही कलर में आप लोगों को ब्लाउज का पीस मिलेगा। एंड इसकी मैं प्राइस की बात करूँ, प्राइस आप लोगों को इसमें 399 मिलेगा, बट ये साड़ी का लुक वगैरह ना बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग इसको ट्रेडिशनल वे में कैरी करना चाहें ना, लाइक आप बन वगैरह गजरा वगैरह लगा के आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं स्पेशली रेकमेंड करना चाहती हूँ, अगर आप लोग थोड़े ओवर हेल्दी हो तो आप लोग एक बार ना इस साड़ी को परचेस करना, देन आप लोग पहनने के बाद आप लोग को रिजल्ट एकदम आपके सामने ही होगा। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही स्लिम सा लुक आता है इसको पहनने के बाद। तो इस साड़ी की तारीफ ना बहुत ज्यादा हो गई, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, और सभी प्रोडक्ट के लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आप सभी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं सभी का लुक बुक देखने के लिए अच्छे तरीके से, तो वहां पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है @bhavnafashionup। जैसा आप सभी को पता है, वहां पे मैं अपनी डेली लाइफ स्टाइल की चीजें शेयर करती रहती हूँ। सो नेक्स्ट साड़ी की तरफ मुड़ते हैं। नेक्स्ट जो है ना, मेरे पास ये नेट की येलो कलर की मल्टी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है। साड़ी सच में इतनी अच्छी लग रही थी ना, मतलब इतने कम प्राइस में इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी की साड़ी ना, बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा था। मिलना मतलब बहुत ही बिग डील है ये ना, मतलब बुटीक टाइप के डिजाइनर टाइप की साड़ी उनमें से एक लग रही थी बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी पल्ले से, जैसा आप सभी को पता है। ऑल ओवर साड़ी पे आप लोगों को ना कटवर्क का बॉर्डर मिल जाएगा, देख सकते हैं। देन मल्टी कलर का आप लोगों को ना बीच बीच में ना ये ना छोटे छोटे ना फ्लावर फॉर्मेट में इस तरीके से मिल जाएगा देखने के लिए। देन कलर इसका ना येलो है और ये हल्दी के लिए ना एकदम अच्छा है। अगर आप लोग ब्राइड हो ना तो भी इसको ना कैरी कर सकते हैं सीधे पल्ले में, जैसे गुजराती स्टाइल में कैरी करते ना उस तरीके से कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लुक लगने वाला है इसको पहनने के बाद। देन आप लोग देख सकते हैं नीचे आप लोगों को ना प्लेट्स में ना, जब प्लेट्स आप लोगों को स्टार्ट होगी तो इस तरीके से ना ये ना वर्क मिल जाएगा, पूरा पैच मिल जाएगा इस तरीके से देखने के लिए। थोड़ा हैवी लुक लगता है नीचे प्लेट्स वाले एरिया से। देन ऊपर आप लोगों को पूरा प्लेन मिलेगा, ये टकिंग वाला पार्ट है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो पूरी साड़ी ना बहुत अच्छी लग रही थी, बट इसको ना थोड़ा सा ना वियर करना ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस है ना साड़ी पहनने की, तो आप लोग ने इसको अच्छी तरीके से पहन पाएंगे। और मुझे ना थोड़ा ना प्रॉब्लम हुई थी इसको वियर करने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, नेट वगैरह ना इसका फिसल रहा था इधर उधर, थोड़ा पिन वगैरह करने की जरूरत पड़ी थी। बाकी स्टार्टिंग जो इसका पार्ट है वो ये वाला है। एंड इसके साथ में इसको कंट्रास्ट देने के लिए ना, इसमें आप लोगों को ना ब्लाउज का पीस मिलेगा रेड कलर का, पूरा प्लेन है, सिल्क का आप लोगों को ये ब्लाउज का पीस मिल जाएगा, देख सकते हैं ये पूरा 80 सेंटीमीटर आप लोगों को ब्लाउज का पीस मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका जो प्राइस है वो 899 है, बट 899 ना मुझे सीरियसली बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं लगा, जस्ट बिकॉज इसका लुक बहुत अच्छा है, बहुत ही डिजाइनर काइंड की साड़ी मुझे लगी ये। एंड स्पेशली हल्दी के लिए ना तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा ये वाला साड़ी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट साड़ी की। तो ये जो साड़ी मैंने पहन रखी है ना, ये भी उनमें से एक, इसको भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो उससे पहले ना मैं आप लोगों के साथ ये वाली साड़ी शेयर करना चाहती हूँ। ये जो है ना, ये मैंने ऑर्डर ना एक बहुत ही प्यारी सी प्रिंटेड साड़ी की थी, मल्टी कलर की प्रिंट की साड़ी थी, बट उसकी जगह ना मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। ये ना इस तरह की सेम साड़ी मेरे पास ब्लैक और गोल्डन कलर में है, तो इसलिए साड़ी मुझे तो अच्छी लगी, बट इसको
पहनने का फायदा ही क्या है, जब मुझे प्रोडक्ट ही ठीक रिसीव नहीं हुआ तो इसको मैं बहुत जल्दी रिटर्न करने वाली हूँ। इमेज आप लोगों को स्क्रीन पे इंसर्ट मिलेगा देखने के लिए कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और ये मुझे क्या मिला। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो एक लाइट ग्रीन की साड़ी है, पूरी प्लेन साड़ी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये देख सकते हैं प्लेन साड़ी, तो आप लोगों को जैसे पता है ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे पहले ना स्टार्ट करेंगे इसके पल्ले से। पल्ला आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा, बॉर्डर आप लोगों को समोसा वर्क का बॉर्डर मिल जाएगा पूरी साड़ी पे। तो रॉयल ब्लू कलर का आप लोगों को ना ये ना थोड़ा थ्रेड वर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, पूरा बॉर्डर इस तरीके से है। एंड बाकी पूरी साड़ी ना प्लेन है। इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। एंड कलर वगैरह बहुत सारे इसमें अवेलेबल है, बट मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लगा, ये था भी नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। बहुत ही प्यारा लगा, पूरी साड़ी आप लोगों को ना पूरी प्लेन मिल जाएगी इस तरीके से देखने के लिए। एंड ये साड़ी के साथ ना मुझे सबसे अच्छी बात गाइस ये लगी ना, इसका जो ब्लाउज का पीस है ना बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही डिफरेंट सा है, जो कि आप लोगों के अदर साड़ी के साथ भी ये ब्लाउज कंप्लीटली मैच हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे सच में। एंड स्टिच करने के बाद ये साड़ी और विद ब्लाउज जब आप इसको कैरी करेंगे बहुत ही स्टेटमेंट लुक क्रिएट होगा। इसके साथ आप लोग ना सिल्वर ज्वेलरी भी कैरी कर सकते हैं, हर तरीके की ज्वेलरी आप लोग इस पे ना कैरी कर सकते हैं, इवन टेम्पल ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये जो ब्लाउज है ना इसका ना वर्क जो है ये जैकवार्ड सिल्क में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। इसका जो प्राइस है वो 399 है, बट 399 में मुझे एकदम परफेक्ट लगा बिकॉज इसका ब्लाउज बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है साड़ी का, क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा ना प्लेन पतली सी है, तो प्लेट्स वगैरह बनाने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन गई थी। एंड इसको ना मैंने कैरी किया है बेल्ट के साथ, बेल्ट के साथ भी आप लोग ना इसको स्टाइल कर सकते हैं। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मेरी फेवरेट साड़ी जो अभी मैंने वियर कर रखी है। साड़ी इतनी ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही प्यारी है, काफी ज्यादा रॉयल लुक लेगी। एंड पूरी की पूरी आप लोगों को प्रिंटेड साड़ी मिलेगी जिसमें ग्रीन कलर हाईलाइट हो रहा है, जिसके साथ मैंने ये रेडीमेड ब्लाउज भी इसको वियर कर रखा है, बहुत ही प्यारी लग रही है। सबसे अच्छी बात मुझे साड़ी की ये लगी कि इसमें ना आप लोगों को ना ये लेस वाला बॉर्डर मिल जाएगा पूरी साड़ी पे, इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा पिंक कलर में। तो साड़ी के साथ आप लोगों को ना पिंक कलर का सिल्क का ब्लाउज मिल जाएगा, पूरा कंट्रास्टिंग वे में स्टिच करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है ये वाली साड़ी। एंड इसमें ना और भी पैटर्न डिफरेंट कलर वगैरह में अवेलेबल है, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों को ना ये बॉर्डर मिल जाएगा ये वाला लेस वाला, जैसे पूरी साड़ी पे था, तो बहुत ही अच्छा लगेगा स्टिच करने के बाद। एंड इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इसका जो लुक है ना, लुक के आगे आप लोगों को प्राइस भी नहीं लगने वाला। तो गाइस ये था मेरा अमेज़न साड़ी हॉल। लेट मी नो आप लोगों को कौन सी वाली साड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कॉमेंट के थ्रू आप लोग बिल्कुल भी बताना ना भूले। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करती रहूंगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय, टेक केयर।